मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के मैटर को हम आज सेकेंड टर्म के बेसिस पे बता रहे हैं। सेकेंड टर्म में मैटर इन अवर सराउंडिंग ये चैप्टर हमारा क्या अहम भूमिका निभा रहा है। तो आओ पॉइंट टू पॉइंट इस चैप्टर को पढ़ाते हैं आपको और समझाते हैं कि क्या क्या किस तरीके से होता है। देखो भाई, सीधी एक बात को समझ लो, मैटर क्या होता है। सबसे पहले तो नाम से पता होना चाहिए मैटर में, ये वो मैटर नहीं है जो किसी लड़की के पीछे हो जाता है, ये बेसिकली वो मैटर है जो जगह घेरता है। अब कोई भी चीज है, अब जैसे ये है, ये जगह घेर रही है, ये जगह घेर रही है, तो ये एक मैटर है, ये एक मैटर है और इसमें एक वजन होना चाहिए। वजन यानी बेसिकली एक्चुअल में मास होना चाहिए, मास होना बहुत जरूरी है, मास होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अब कौन से मैटर है? मैटर क्या क्या होते हैं? तो देखो, एयर, हवा, खाना, पत्थर, वो पत्थर का दिल था वो टूट गया, बादल, बादलों में चला गया वो दिल टूट गया, स्टार्स, तुझे चांद तारे की सैर करा के लाता हूँ मैं अभी, ठीक है ना, प्लांट, पेड़ और जानवर जो भी तुम हो, एनिमल्स और पानी जिसमें तुम्हारी जिंदगी होने वाली है, पानी पानी, ठीक है ना, और सैंड, मिट्टी में जो तुम्हारा दिल मिला देगी वो, इससे बड़े छोड़ दो उसे। और मैटर, एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, सैंड, आर, ये सारे हैं आपके मैटर। हेट, लव, स्मेल आर नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। किसी से घृणा करना, किसी को प्रेम यानी प्यार करना, पर किसी की सुगंध लेना यानी स्मेल, ये आपके पदार्थ नहीं है। अब तुम कहते जी आ मेरा निब्बा, आ मेरी निब्बी, चलो छोटे छोटे निब्बा निब्बिया करते हैं, तो ये मैटर नहीं है यार, वो मैटर दूसरा हो जाएगा। हम बेसिकली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ओके, चौथा पॉइंट, हमारे पंच तत्व होते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पांच चीजों को मिला के बनी है। बताओ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दैट इज क्लियर। समझ आया आप लोगों को? होप सो इस समझ आया होगा और आना भी चाहिए। ओके, देखो बेटा, अब हम आपको बताते हैं, हमारा एक मॉडर्न साइंटिस्ट आया जिसने तुम्हारी जिंदगी का नाश मार दिया, जिंदगी का नाश मार दिया, जिसने मैटर को क्लासिफाई करा दो वेज के अंदर, मैटर को क्लासिफाई करा दो वेज के अंदर, पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके फिजिकल को कैसे क्लासिफाई किया और केमिकल को कैसे क्लासिफाई किया। देखो भाई, मैटर तो मिलके बनता है, पार्टिकल से मिलके बनता है, याद रखो। क्वेश्चन बोल देगा मैटर इज मेड अप ऑफ डैश, तो ये आपकी वो नहीं, ये आपके पार्टिकल्स की बात कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो। आपके गंदे दिमाग में बहुत गलत ख्याल आते हैं, उन ख्यालों को दूर करो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के कण बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। डिफ्यूजन क्या काम करता है? डिफ्यूजन किसी भी चीज के अंदर, मैटर के अंदर हीट को बढ़ा देता है, हीट को बढ़ा देता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है बेसिकली, डिफ्यूजन को ही तो बता रहा हूं, किसी भी मैटर के की कंसंट्रेशन के अंदर हीट को बढ़ा देना, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। समझ गए? मैटर के पार्टिकल्स के अंदर हीट कैसे बढ़ाता है, कौन सी एनर्जी लगती है? काइनेटिक एनर्जी लगती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके कारण उसके अंदर हीट
पैदा होती है, ठीक है ना, मेरी बात क्लियर है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, मैटर के पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, डिफ्यूजन हीट को बढ़ा देता है, पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी का काम होता है मैटर की स्टेट के अंदर टेम्परेचर की वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट कर देता है। दैट इज क्लियर। मैटर की जो स्टेट होती है बेसिकली हमें आप समझना चाहिए, समझ लो सारे। देखो मैटर बेसिकली मैटर की पांच स्टेट होती है। पहले हम पढ़ा करते थे सोलिड लिक्विड गैस, दो और बढ़ गई हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसे बीईसी कहते हैं। समझ लो, समझो बेटा, पढ़ाई की उम्र है, समझो अच्छे से। अगला पॉइंट, हर किसी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आप कर सकते हैं, मैं किसी एक को एक्सप्लेन करके बताता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एक पर्टिकुलर शेप होती है, बाउंड्रीज डिस्ट्रिक्ट होती हैं, रिजिडिटी, समझ रहे हो, रिजिड होता है, इनकॉम्प्रेसिबल, एक बार शेप बन गई तो बन गई, फिक्स रहता है, ठीक है ना, इसको आप बदलाव नहीं कर सकते। अब वो बात अलग है भाई, तुम अपनी तिकड़म लगा के तुम किसी का यही बदल दो, बेटा सीधे के बैठो, लेटो मत, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो, समझो इस बात को, बेटा समझो, घर वाले पढ़ने की फीस देते हैं, फीस नहीं तो देख ही दो ना, टाइम तो बर्बाद करिए। अब स्पेस ऑक्यूपाई करना, जगह घेरना बेसिकली वॉल्यूम का काम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करना किसका काम होता है, वॉल्यूम का। मैटर जो है उसके पास, अभी मैटर ऑक्यूपाई स्पेस था, उसमें मास भी हमने जोड़ा था, मैटर में ऑक्यूपाई स्पेस की जगह मैटर को वॉल्यूम और मास दोनों के रूप में लिया जा सकता है। वॉल्यूम कैसा यूनिट, क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब, ओके। 17वां पॉइंट डेंसिटी होता है बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मास रखा जा रहा है, दोनों को अपॉन में रखे तब डेंसिटी बताया जाता है। दैट इज क्लियर। मैटर की पांच स्टेट होती है, सॉलिड का होता है, सॉलिड की डेफिनेट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, रिजिडिटी, इनकॉम्प्रेसिबल, फिक्स्ड। 14th पॉइंट स्पेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम करता है, 15वां पॉइंट मैटर वॉल्यूम और मास को बताता है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, मास पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली आपका डेंसिटी बताता है, मास अपॉन में वॉल्यूम बेसिकली फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। दैट इज क्लियर, ओके, होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 19, सॉलिड के बारे में अभी हमने बताया, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, सॉलिड हैव हायर डेंसिटी, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है बेसिकली वो इंटर मोलिकुलर स्पेस बताता है, जैसे ये और ये, तो बेसिकली वाला जो स्पेस है ना, ये बेसिकली आपका इंटर मोलिकुलर स्पेस होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स के अंदर बहुत कम पाई जाती है बेसिकली, क्योंकि स्पेस ही नहीं होता है, ठीक है ना। सॉलिड के पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें हम स्टडी करते हैं उनके बारे में। बर्फ के टुकड़े जब पिघल जाते हैं तो वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है ना। Ice is 90% lighter than the water, density is less than the water. बर्फ जो है पानी से 9% हल्की मानी जाती है, जो उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैस के अंदर, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं, मतलब कहीं भी घूमते रहते हैं। एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म हम बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। 28वां, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब वाटर की भी तीन स्टेट होती है, वाटर भी तीन स्टेट में पाया जाता है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। बर्फ एक सॉलिड स्टेट होती है, पानी एक हाई लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर यानी जो भाप बन जाता है, ये गैसियस फॉर्म है। इसी तरीके से लिक्विड की भी तीन फॉर्म आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चेंजिंग की, 30वां पॉइंट, सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो फ्यूजन कहलाया जाता है, सॉलिड से जब लिक्विड में बदलते हैं तो फ्यूजन कहलाया जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, बेसिकली टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है आपकी केल्विन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन यानी 16 केल्विन, या सेल्सियस के रिस्पेक्ट में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस प्लस
273, और अगर केल्विन में बोले तो केल्विन माइनस 273, दैट इज क्लियर। सेल्सियस और केल्विन में बदलने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है बेटा, दोबारा से क्लियर कर देता हूं। सॉलिड के पास डेंसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, उस पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, सॉलिड के पास अपनी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है फ्लोट करता है क्योंकि 9% हल्का होता है एज कम्पेयर टू द आइस। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है गैस में सबसे ज्यादा होता है, एलपीजी के फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है पार्टिकल्स के अंदर। वाटर की भी 3 स्टेट होती है, आइस वाटर एंड वेपर, बर्फ पानी और पानी की भाप। सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो फ्यूजन कहलाएगा, टेम्परेचर गैस यूनिट केल्विन कहलाई जाती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, 33. केल्विन की केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273, और सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन माइनस 273, दैट इज क्लियर। एक किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो वो लेटर नीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन के अंदर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री होता है सेल्सियस के अंदर। एक किलो लिक्विड को गैस में बदलेंगे लेटर नीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा, और लिक्विड को सिर्फ गैस में बदलेंगे तो सिर्फ वेपोराइजेशन होता है, यानी वेपर्स में बदल जाता है। सॉलिड को गैस में डायरेक्ट बदलते हैं, सॉलिड को विदाउट लिक्विड के अंदर आए हुए तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, और CO2 को दूसरा नाम होता है ड्राई आइस। CO2 का दूसरा नाम है ड्राई आइस, ठीक है ना। लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो वो इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन का इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन जो होता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सर गर्मियों के अंदर जब हम छिड़काव करते हैं पानी का, स्प्रिंकलर करते हैं, तो वो भी इवापोरेशन का ही कारण होता है ताकि ठंडक रहे, ठीक है ना। आप देखते हो कि जैसे जिसका अगर टॉप फ्लोर पर होता तो छतों पर पानी का छिड़काव करते हैं ताकि जो रात में ठंडक रहे, ठीक है ना। घड़े का पानी ठंडा रहता है इवापोरेशन के कारण, डेजर्ट कूलर बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद नेक पॉलिश को जो रिमूवल करता है जैसे आपका एसीटोन के थ्रू, तो ये भी बेसिकली आपका इवापोरेशन का ही काम होता है। हमने आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं कि बेसिकली क्या होता है, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, क्या क्या आपको इसमें स्टडी करना है और क्या स्टडी नहीं करना है, कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। सारा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट है, इसे पढ़ो और स्कोर करो।